हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन एसएसटी वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेकंड, क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, हमें स्टेटमेंट पे क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज वूलन, WOOLEN, वूलन क्लोथ्स कीप अस कूल. जो ऊनी कपड़े हैं क्या वह हमें ठंडक देते हैं? ऊनी कपड़े क्या हमें ठंडक देते हैं जब हम पहनते हैं? नो. व्हाट इज फॉल्स, यानी गलत. गलत है ना ये स्टेटमेंट. सेकंड इज कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म. सूती कपड़े हमें क्या रखते हैं? वार्म, यानी गर्म रखते हैं. सूती कपड़े हमें क्या बॉडी को गर्म रखते हैं? फॉल्स. रॉन्ग है ना. थर्ड स्टेटमेंट इज वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म. वी गेट सिल्क, हमें सिल्क प्राप्त होती है कहाँ से? सिल्क वर्म से, यानी सिल्क के. तो हमें सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त होती है. आंसर इज ट्रू, यानी राइट. फोर्थ इज सिंथेटिक, SYNTHETIC. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. जो सिंथेटिक रेशे होते हैं वो क्या केमिकल से बनते हैं? आंसर इज ट्रू. सही है ना ये. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें उन्हें आंसर लिखने. क्वेश्चन फर्स्ट इज Why do we wear cotton clothes in summer? हम सूती कपड़े, cotton clothes, यानी सूती कपड़े क्यों पहनते हैं summer में, है ना? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? So answer is cotton clothes keep our body cool in summer. गर्मियों में जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारी body को क्या रखते हैं? ठंडक रखते हैं ना, ठंडा रखते हैं. ओके, कॉटन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कूल इन समर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. वैसे हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं सर्दियों में, ना? आंसर इज वूलन क्लोथ्स WOOLEN, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म. इन विंटर, सर्दियों में ही तो पहने जाते हैं. कोई है जो समर में वूलन क्लोथ पहनता है? नो. विंटर्स में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ. क्यों? क्योंकि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. सर्दियों में हमारी बॉडी को वह गर्मी प्रदान करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ फाइबर्स. यानी तीन फाइबर्स, तीन रेशों के हमें नाम बताने हैं. आंसर थर्ड, फर्स्ट इज नेचुरल, NATURAL, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशा. सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स यानी कृत्रिम रेशा. थर्ड इज वूलन फाइबर्स, WOOLEN, वूलन फाइबर्स यानी ऊनी रेशे. ओके, नाउ अगेन रिवाइज इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज वूलन क्लोथ्स कीप अस कूल, ऊनी कपड़े हमारी हमें ठंडक रखते हैं. फॉल्स. सेकेंड इज कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म, सूती कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. फॉल्स. थर्ड इज वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, हमें जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त होती है. येस, ट्रू. फोर्थ इज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो क्या केमिकल से प्राप्त होता है? यस, केमिकल से बनते हैं ना. यस, ट्रू. क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? आंसर फर्स्ट, कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल इन समर, क्योंकि सूती कपड़े हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्मियों में ठंडक रखते हैं.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, गर्मियों में हम ये कपड़े क्यों पहनते हैं, ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? आंसर इज वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, यानी सर्दियों में हमारे ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं इसलिए हम पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लास्ट, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ फाइबर, तीन रेशों के नाम बताने हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, सेकंड सिंथेटिक फाइबर, थर्ड इज वूलन फाइबर या वूल फाइबर। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स राइट इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लर्न इट। ओके।